हाय गाइस, देखिए आज हम आंवले का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं। तो मैंने आधा किलो ये आंवला लाया है। अब हम ये आंवले को इस तरह से एक फोक के सहायता से आंवले में इस तरह से कर देंगे, सारे आंवलों में इस तरह से कर देंगे। ये लीजिए इस तरह से, ताकि हमारा जो शक्कर का हम पाक बनाएं तो इसमें अच्छे से इस तरह से हम सारे आंवलों को इस तरह से कर लेंगे। सारे आंवले में हम इस फोक से सहायता से इस तरह से देखिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल दिया हमने, सारे आंवलों को हमने फोक से होल बना दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा हम चूना डालेंगे, खाने का चूना। आपके पास ना हो तो किसी से थोड़ा सा ले लें। और इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करके रात भर रहने देंगे चूने पानी में। फिर सुबह जो है हम इसे 4-5 पानी से धुल के धो लेंगे आंवलों को। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, हमने गैस पे पानी रखा था। पानी में अच्छे से उबाला गया है। अब मैं यहीं पर एक एक करके आंवला डाल देंगे और गैस को थोड़ा स्लो करेंगे। सारे का आंवलों को 10 मिनट के लिए हम गैस पे देखिए 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। जब अच्छे से नरम हो जाएंगे तब हम निकाल लेंगे। सिर्फ 10 मिनट हमें इन्हें उबालना है गर्म पानी में। देखिए गाइस, हमारा आंवला अच्छे से, ये देखिए इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए इस तरह का हो जाए तब हम निकाल लेंगे। ये देखिए अलग हो गया है एकदम। ये देखिए अब हम इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह से। ये आंवला है हमारा, ये देखिए इतना हमें पकाना था। देखिए अच्छे से हमारा आंवला पक चुका है 10 मिनट में। 10 मिनट आपने पकाना है। आधा किलो हमने आंवला लिया था। अब यहीं पे हम ये पानी हटा देंगे। आधा किलो हमने आंवला लिया था, अभी हमें पानी नहीं डालना है। और ये फिर से हम इस बर्तन में आधा किलो आंवला लिया था और आधा किलो अब हम इसमें, जितना आप आंवला लें उतने ही आप शक्कर, उतनी क्वांटिटी में आप शक्कर ले थी हमने। ये देखिए आधा किलो हमने शक्कर लिया हुआ, तब हम इसमें डाल देंगे। और फिर से हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे, इनकी पाक हो जाएगी। और पाक में अच्छे से हमारा आंवले का जो मुरब्बा है वो बन जाएगा। तब फिर गैस चालू करते हैं और रख देते हैं पकने के लिए। सिर्फ 10 मिनट में हमारा आंवले का मुरब्बा बन जाएगा। तो देखिए हम फिर से गैस पे रख दिए हैं चूल्हे पे। इसमें पानी नहीं डालना है। गैस जब एक अपने आप मेल्ट हो जाएगी शक्कर, तो इसमें अपने आप पानी जैसा शक्कर का बन जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये देखिए जब हम शक्कर डाल देंगे आंवले के अंदर तो अपने आप ये सीरा तैयार हो जाता है। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी के अंदर हमारा आंवले जो है अच्छे से पक जाएंगे, सीरा तैयार हो जाएगा। उसी में हमारा मुरब्बा अच्छे से हो जाएगा तैयार। ये देखिए अच्छे से सीरा तैयार हो रहा है, उसमें अब हमारा मुरब्बा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आंवला का जो कलर है चेंज हो चुका है एकदम। अब हमारा आंवला, ये देखिए मुरब्बा तैयार हो चुका है। अगर आप 1 किलो आंवला लेते हैं तो आप 1 किलो शक्कर लें, नहीं तो 1.25 किलो शक्कर लें। इसका ये मेजरमेंट होता है, क्योंकि अगर आप कम शक्कर लेंगे तो मिठास नहीं आएगी। इसलिए आप आधा किलो, अगर हमने आंवला लिया था तो मैंने आधा किलो ही शक्कर डाली है। और पानी डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप आंवला थोड़ा सा उबालें 10 मिनट, उसके बाद आंवले के अंदर ही अगर आप शक्कर डाल देंगे तो उसी के सिरे से ये आंवला जो है पक जाएगा। ये देखिए हमारा जो है, अभी हम बाउल में निकाल लेंगे। हमारा एक तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए हमारा जो है मुरब्बा बन के रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुरब्बा हमारा कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए जब भी आपका मुरब्बा बन जाएगा तो ये अलग से इस तरह से
अलग से इस तरह से ये देखिए खुल जाएंगे। ये देखिए अभी गर्म हाथ हाथ नहीं लगा पा रहा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इस तरह से ये अलग से इस तरह का ये अलग एकदम टेस्टी बना है हमारा। और इसमें हम ऊपर से डाल देंगे ये थोड़ी सी इलायची पाउडर। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये एकदम यम्मी सा टेस्टी सा ये आंवला का मुरब्बा तैयार है। तो जब आंवले का मुरब्बा बन जाएगा तो इस तरह से एकदम अलग एक तार की चाशनी बनानी है। तो लीजिए हमारा ये देखिए बहुत टेस्टी हमारा आंवला का मुरब्बा बना है। तो जब आंवले का मुरब्बा बन जाएगा तो इस तरह से उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं थोड़े से। और तो लीजिए आप भी बनाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करें।